खेती कानूनों के विरोध च राहुल गांधी की अगुवाई च अज संगरूर च कांग्रेस लीडरशिप वालों ट्रैक्टर रैली की जा रही है। अपनी स्पीच दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार से जम के निशाने साधे ते कहा कि मोदी सरकार देश के वड्डे कारोबारियों को लाभ पहुंचाने लई किसानां ते किसानी नूं खत्म करन दी राह ते है। राहुल गांधी ने कहा कि 6 सालों तो केंद्र च मोदी सरकार सत्ता विच है ते पिछले 6 सालों तो गरीबां किसानां मजदूरां ते हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का एक भी फैसला छोटे कारोबारियों किसानां ते गरीबां दे हक च नहीं है जिस नाल उन्हां दा कोई फायदा हो सके। मोदी सरकार सिर्फ ते सिर्फ वड्डे कारोबारियों नूं लाभ पहुंचाउण लई लगी हुई है। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर आक्रमण हो रहा है। आप इनके सब निर्णय देखिए, एक आपको निर्णय नहीं मिलेगा जिससे किसानों का, गरीबों का, छोटे दुकानदारों का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला। कर्जा माफ करते हैं तो अरबपतियों का माफ करते हैं, किसान का नहीं करते, छोटे दुकानदार का नहीं करते। आपको याद होगा कुछ साल पहले 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, काले धन से लड़ना है। आप सब गए, आप में से बहुत लोगों ने सोचा हां प्रधानमंत्री सच बोल रहा है, और आप गए, आपने अपना पैसा बैंक में डाला। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने आपके पैसे को लेकर हिंदुस्तान के सबसे 2-3 बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से निकालकर उनका कर्जा माफ किया। जब किसान बैंक से पैसा लेता है, डंडे मार के उससे ये पैसा वापस लेते हैं, मगर अगर अदानी और अंबानी बैंक से पैसा लेता है, प्यार से नरेंद्र मोदी जी उनका कर्जा माफ करते हैं। कैसे करते हैं? किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का पैसा छीनकर उनके बैंक अकाउंट में डालकर। क्या काला धन मिट गया? काला धन कम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं 12 बजे रात को अब हम GST लागू करेंगे। GST से किसका फायदा हुआ? छोटे दुकानदार का नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, मजदूर का नहीं हुआ, युवाओं का नहीं हुआ, सबसे बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो। कैसे? अगर आप छोटे दुकानदार हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते हो, आपको आज तक नहीं मालूम, आज तक आपको GST नहीं समझ आए, हर महीने आपको कोई ना कोई नया फॉर्म भरना पड़ता है, 5 अलग अलग टैक्स, कभी सरकार कहती है हम स्टेट को टैक्स नहीं देंगे, GST नहीं देंगे, मगर अगर आप अंबानी हो, अदानी हो, अकाउंटेंट की जरूरत, 10 अकाउंटेंट, 15, 20, 30, 40, 50 जितने आपको चाहिए ले लो, GST से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मगर GST ने हिंदुस्तान के सब छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? रास्ता साफ करना था, इनको परे करना था, इनको मारना था। किसके लिए? अदानी के लिए, अंबानी के लिए। फिर कोविड आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 22 दिन में कोविड को हम खत्म कर देंगे। हमने उनसे कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी, देश को रोजगार, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी,
मिडिल साइज व्यापारी, देश को भोजन किसान मजदूर ये लोग देते हैं। मुश्किल मुश्किल समय है, इनको आप पैसा दीजिए, इनको बचाइए, नहीं तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा टीवी पे, आपने देखा मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, पीने को पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं। नरेंद्र मोदी ने ना मजदूर की मदद की, ना किसान की मदद की, ना छोटे व्यापारी को मदद की, ना मिडिल साइज बिजनेस स्मॉल बिजनेस की मदद की। किसकी मदद की? हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया, कहते हैं इनको इंसेंटिव देना है। जैसे झाकड़ जी ने कहा, जब वो बड़े बिजनेस वालों को पैसा देते हैं उसको इंसेंटिव देते हैं, कहते हैं जब किसान को देते हैं तो कहते हैं सब्सिडी है। वो चोरी करता है उसके बैंक उसके सामने लाल कानी लगा देते हैं, कहते हैं ये लोग कर्जा माफ। किसान पैसा लेता है, कर्ज लेता है, उसको दो डंडे मारते हैं, कहते हैं वापस दो। एक रुपया किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का इन्होंने नहीं माफ किया। अच्छा, कोविड है, सबके घरों में लोग बीमार हो रहे हैं, जल्दी क्या थी? ये आप काले कानून लाए, तीन कानून लाए, जल्दी जल्दी क्यों थी आपकी? 6 महीने रुक जाते, 1 साल रुक जाते, 1.5 साल रुक जाते, क्या हो जाता? जल्दी ये थी कि कोविड आज फैला हुआ है। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हमने किसान के खेत मजदूर के पैर पे कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा। वो किसान की शक्ति नहीं पहचानते। आपने देश बनाया है, आप किसी के सामने भी खड़े हो सकते हो। मैं जानता हूं कि जो आज का सिस्टम है उसमें कमियां हैं, मंडी के सिस्टम में कमी है, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमी है, एमएसपी के सिस्टम में कमी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं, हम जानते हैं, मगर यह सिस्टम आपकी रक्षा करता है। सिस्टम को बेहतर करना है, करिए, और मंडियां लगाइए, ग्रेन के साइलोज लगाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के अंबानी और अदानी आपको गुलाम बना सकते हैं। अगर एमएसपी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, तो ये आपका आपको गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी सिस्टम को तोड़ना चाहता है, काम रास्ता साफ करने का है। और मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, सिस्टम को हम नहीं तोड़ने देंगे। आपको हम, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान में हजारों मंडियां हैं, यह सिर्फ किसान का मामला नहीं। मंडी में किसान जाते हैं, मजदूर जाते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं, इन सब का क्या होगा? अगर आपने सब मंडियों को खत्म कर दिया, इन लोगों का क्या होगा? इनको रोजगार कहां से मिलेगा? अंबानी और अदानी इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अदानी और अंबानी मशीनरी का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे। और दूसरी बात, आज किसान मंडी में जाता है,
मंडी में उसको व्यापारी मिलते हैं, कठिनाई होती है तो आमने सामने बात होती है, ज्यादा कठिनाई होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है किसान, पुलिस के पास जा सकता है। आने वाले कल में किसान की बात अदानी अंबानी की कंपनी के साथ होगी, कोई पुलिस आपकी मदद नहीं कर पाएगी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद नहीं कर पाएगी, वो तो बंबई में बैठे हैं, आप उनके सामने बिल्कुल नहीं खड़े हो पाओगे। हिंदुस्तान की जनता सोचती है सिर्फ किसानों का मामला है, सिर्फ मजदूरों का मामला है, खेत मजदूरों का मामला है, गलत है, यह फूड सिक्योरिटी का मामला है। हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी देता है, भोजन की गारंटी देता है। एमएसपी एक दीवार है, यह मंडियां एक दीवार है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम एक दीवार है। इस दीवार को नरेंद्र मोदी तोड़ना चाहते हैं, किसके लिए? अंबानी अदानी के लिए। जनता सोचती है किसान कमजोर हो जाएगा तो क्या हुआ, मजदूर कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा। मैं बताता हूं, जो आज हिंदुस्तान की जनता 10 रुपए में खरीदती है कल वो 50 रुपए में खरीदेगी। पैसा कहां जाएगा? किसान की जेब में नहीं जाएगा, मजदूर की जेब में नहीं जाएगा, छोटे व्यापारी के जेब में नहीं जाएगा, अंबानी और अदानी के जेब में जाएगा। किसान भूखा मरेगा, मजदूर भूखा मरेगा, छोटा व्यापारी भूखा मरेगा। नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजिंग होगी टीवी पे 24 घंटे, आप उनका चेहरा देख पाओगे। क्यों? अदानी और अंबानी उसका चेहरा टीवी पे डालेंगे मगर पेट में कुछ खाने का नहीं होगा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान गुलाम होगा। और यह मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, अंग्रेजों ने यहां राज कैसे किया? किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर। जिस दिन हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिस दिन खेत मजदूर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उस दिन सिर्फ किसान और मजदूर गुलाम नहीं होगा, उस दिन पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। यह समझ आए ना, समझ आए या ना आए, भविष्य में पूरे हिंदुस्तान को यह समझना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, छोटे व्यापारी के नहीं के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं आज यहां हिंदुस्तान के लिए खड़ा हूं। और नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं और हम ये कभी नहीं होने देंगे, एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। हम कौन हैं? हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, हम हिंदुस्तान के युवा हैं, हम माताएं बहनें हैं, हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी से लड़ेंगे। यह मैसेज मैं आपको देने आया था। आप सब दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी ने कहा है कि इकट्ठे होकर मोदी अंबानी अडानी खिलाफ संघर्ष विढ़ना चाहिए। दस दईए चोणों का समा भी बहुता दूर नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपना वोट बैंक स्थापित करने लई खेती कानूनों नूं आधार बना के चोन मैदान फतेह करने लई पब्बा भर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी। सबसक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नूं ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बेल आइकन।